राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ झारखंड के अभ्यर्थी पुतला दहन कर रहे हैं। दरअसल झारखंड के अभ्यर्थी बन्ना गुप्ता के आवास उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पहले वो इस पेपर को पढ़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करेंगे और वार्ता होने के बाद वो हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम लोगों को आपका समर्थन चाहिए, लेकिन बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट रूप से इनकार किया, जिसको देखते हुए झारखंड के अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और नतीजा अभ्यर्थी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ पुतला दहन भी करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच कई अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आकर इससे पहले भी धनबाद के सांसद पीएन सिंह के खिलाफ इन लोगों ने पुतला दहन किया था। एक बार फिर से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं। अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार तमाम विधायक और सांसद से मुलाकात करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच कई विधायक और सांसद इन लोगों को समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे थे, तो कई विधायक सांसद का स्पष्ट रूप से कहना था कि हम आप लोगों को समर्थन नहीं करेंगे, और लिहाजा अभ्यर्थी जो लोग इन लोगों को समर्थन नहीं कर रहे हैं उसका पुतला अभ्यर्थियों की ओर से फूका भी जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष की दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 5 महीनों से झारखंड के अभ्यर्थी यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति ना चलते, चूंकि ये हकमार नियोजन नीति है, जिसको लेकर अभ्यर्थी इससे पहले भी कई विधायक कई सांसदों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। 81 विधायक 14 सांसदों से मुलाकात करेंगे झारखंड के अभ्यर्थी, उनका समर्थन मांगेंगे 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ। इससे पहले भी पीएन सिंह की ओर से इनकार किया गया था और अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ पुतला भी यहां पर फूंकते हुए नजर आ रहे थे। उसी प्रकार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ भी अभ्यर्थियों ने पुतला फूका है अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर झारखंड के अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे, लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे, क्योंकि अभ्यर्थी का स्पष्ट रूप से कहना था कि आखिर सरकार क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट कर रही है नियोजन नीति को लेकर। कई बार रणनीति तैयार की गई, कई बार रूपरेखा तैयार की गई, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से कोई भी स्टैंड नहीं ली गई, लिहाजा अभ्यर्थी अब आंदोलन करने के मूड में है। इससे पहले भी कई बार आंदोलन देखने को मिला, झारखंड विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के समक्ष भी झारखंड के अभ्यर्थी पहुंचे, घेराव किए, लेकिन इस बीच आंसू गैस के गोले दागे गए झारखंड विधानसभा के समक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के समक्ष लाठीचार्ज भी की गई, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। जरूर हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है, किस तरीके से अपने आंदोलन को आगे लेकर ये लोग जाएंगे। आज आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ पुतला दहन किया है, ये बताइएगा इससे पहले भी आप लोगों की ओर से पुतला दहन किया गया था पीएन सिंह के खिलाफ, क्या इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा संदेश हम लोग दे रहे हैं कि वैसे लोग जो बाहरी मानसिकता के हैं वो हमारे राज्य में नहीं चल सकते हैं, और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव बहुत जल्दी है, इस बात को याद रखा जाएगा कि जब हमारे बच्चे यहाँ के मूलवासी आदिवासी बच्चों के लिए अपनी मांग को रख रहे हैं, तो उन बच्चों को धक्का मार के जब वो बाहर निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम लोग भी जो है यहाँ से उनको धक्का मार के बाहर भेज देंगे। ये हम लोग को जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है उसमें बन्ना गुप्ता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पहले वो पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद सीएम से बात करेंगे, उसके बाद ही वो हस्ताक्षर करेंगे। देखिए, उस पेपर में बहुत 50 पन्ने का पेपर तो है नहीं, एक पेज का पन्ना जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप हमारे समर्थन में हैं कि नहीं है, 60-40 का नीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं, और 60-40 का नीति के साथ जो है आप हैं या उसका विरोध में हैं, इसमें साफ साफ उनको कुछ पढ़ने का आवश्यकता है नहीं। हमारे लोगों ने उनको बताया साफ साफ, और साफ साफ बता करके कहा कि आप इसमें बस अपना जो है आप समर्थन दे दीजिए कि 60-40 की नीति झारखंड में, एज ए विधायक एज ए मंत्री आप साइन करके हमें समर्थन पत्र दे दीजिए और इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री तक सौंपेंगे, बस बात इतनी थी। उनको 50 पन्ने का पेज नहीं दिया गया था, उनको साइन करके देना था और हस्ताक्षर करके जमा करना था, लेकिन वो जानबूझ करके आनाकानी कर रहे थे, लोगों के साथ जो तूतू में कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं यहाँ के मूलवासी बच्चों के साथ जो है धोखा है, क्योंकि उन्होंने जो वोट लिया है यहाँ के मूलवासी से ये कह करके लिया है कि हम लोग आपको वरीयता देंगे जब भी नियुक्ति होगी, और इस प्रकार का रवैया एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर होगा तो निश्चित रूप से कड़ा विरोध इस प्रकार का पुतला दहन होना ही चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं। लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा है, इससे पहले भी आप लोग पीएन सिंह के खिलाफ पुतला दहन किए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो आप लोगों ने पुतला दहन किया इससे कुछ फायदा होगा, कुछ फलाफल निकलेगा?
निश्चित रूप से फायदा होगा। और आने वाला चुनाव में तो बोल ही रहा हूँ कि ये बातें जो है ना लिखी जा रही हैं और याद रखा जाएगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ के लोगों ने यहाँ का वोट लेकर के लोगों से सितम किया और किस प्रकार का जो रवैया उनका लगातार जो है यहाँ पर रहा और लोगों को सितम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक एक विधायक जो है हमारे लगभग बहुत सारे विधायकों ने समर्थन पत्र दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जो है जरूर जो है फायदा हमें मिलेगा, ऐसा हम लोग जो है लेकर के चल रहे हैं अभी तक। और भी कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आंदोलन आगे लेकर जाएगा। लगातार आप लोग पुतला फूंक रहे हैं। नहीं, ये आंदोलन यहाँ जो पुतला दहन किया गया, मतलब वो मंत्री है राज्य के, यहाँ के जनता ने खतियानधारियों ने उसको वोट दिया है, बट सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपको मतलब सहमति आप नहीं अगर जताते हैं तो साइन मत कीजिए। मतलब जो बिहेवियर किए धक्का मुक्की, इसके खिलाफ में मतलब पुतला दहन हुआ। बहुत ऐसे विधायक सांसद अभी भी है जो कि कुछ बहाना दिल्ली में है, यहाँ वहाँ बहाना करके घर में नहीं है, पीओ के बोल दे रहा है बोल दो, ऐसे करके बहाना कर रहे हैं। तो उससे हम लोग को तो क्या मैसेज है पुतला दहन से? क्या मैसेज ये जाएगा कि आप यहाँ है, यहाँ के विधायक झारखंड के विधायक बने हुए हैं और झारखंडी मुद्दे पर जब स्टूडेंट गया है तो आप उसके उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और ये देख के और जितना एक्स्ट्रा जो दूसरा कोई विधायक है वो लोग भी सबक लेगा और इनका और विरोध होगा चुनाव में भी। हम लोग कितने विधायकों का समर्थन मिल चुका और कितने मंत्रियों? लगभग 40 हो गया है और आधा पांच से सांसद का भी समर्थन मिल चुका है और 40 विधायक का ही हो चुका है। और ये बहुतों को पता नहीं है, ये जो बन्ना गुप्ता जी मंत्री है, कोई सोशल मीडिया माध्यम में हम देखते हैं कोई बोल देता है बिहारी वर्णन, मगर सटीक हम बता दे रहे मथुरा उत्तर प्रदेश का, और टेम्पू चालक था, यहाँ के जनता ने आज करोड़पति बना के मंत्री बना के घूम रहा है यार। ऐसे भी कहीं भी मीटिंग कैबिनेट उबिनेट कुछ भी होता है तो बोल देता है टेम्पू वाला, ओबीसी की हम बात करते हैं, मतलब सहानुभूति ऐसे जताने का प्रयास करता है। जब एक टेम्पू वाला की को झारखंड की जनता ने मंत्री बना के आप करोड़पति बन गए हैं और आप जब इतना ही हो गए तो इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं, इनका कहना है कि हम लोग सिर्फ समर्थन प्राप्त करने के लिए वहां पर गए थे लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। और भी कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे क्योंकि लगातार ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस बीच कई लोगों से मुलाकात भी किए हैं लेकिन इनका कहना है कि स्टैंड क्लियर नहीं हो रही है जिस वजह से अभ्यर्थी अब आंदोलन करने के मूड में है। लेकिन लगातार जितने भी छात्र नेता हैं वो फिलहाल इंटरव्यू देने में बिजी है लेकिन ज़रूर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि हमने जो वीडियो देखा है, जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें स्पष्ट रूप से बन्ना गुप्ता ये बोल रहे हैं कि पहले हम पेपर पढ़ेंगे उसके बाद सीएम से बात करेंगे फिर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर को भी लेकर उनका कहना है कि मैं कैसे हस्ताक्षर करूंगा, मेरे ऑफिस वाले लोग हस्ताक्षर करेंगे। देखिए उतना बड़ा मंत्री बनाया गया है, उस तरह के जो छात्रों के बर्ताव मतलब कि बर्ताव करते हैं ये ठीक नहीं है। राज्य के जनताओं के लिए, राज्य के छात्रों के लिए आप चुने गए हैं तो आपके पास 24 घंटा सेवा होना चाहिए छात्रों का। हम लोग कौन स्थिति में जा रहे हैं, नहीं अभी टेम्परेचर 50.9 डिग्री चल रहा है जो कि लू भी लग जाता है, बिना खाए पिए छात्र जाता है और गेट से बाहर रखा जाता है। जब छात्र घुसते हैं अंदर तो उसको धकल कर बाहर निकाला जाता है। तो बताइए हम लोग का जो है पहाड़ पर्वत कोयला सब लूटा जा रहा है, जब हम लोग अधिकार भी मांगने जाते हैं तो अधिकार भी नहीं मिल रहा है। थर्ड फोर्थ ग्रेड का नौकरियों की बात करते हैं तो वो भी नहीं दे रहे हैं। सीटों की संख्या बेचा जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज मूल निवासी आदिवासी जो है बड़े बड़े फ्लैटों में, रोडों में, बाथरूम में हम सफाई कर रहे हैं, बताइए। और बाहरी लोग यहाँ ऐश मौज कर रहे हैं। आज बन्ना गुप्ता ये चीज़ उसको झारखंड के जनता उसको सबक सिखाएगी कि बाहरी नीति नहीं चलेगा, ब्लूटूथ नियोजन नीति नहीं चलेगा, पहले नीति बने तब नियुक्ति है। और एक चीज़ कहना चाहते हैं कि सचिवालय में जो सब्जेक्ट है सिलेबस है एक्स्ट्रा, उसमें 100 क्वेश्चन जरूर जोड़े, झारखंड के पेपर उसको जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप जो है बाहरियों की यहाँ नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं, ना नीति है ना आप नीति नहीं है और नियुक्ति दे रहे हैं। मेडिकल में NMR GM का फोरम 19 तारीख से बाहरी हो रहा है, बाहरी मतलब कि फोरम अप्लाई हो रहा है, उसमें लिखा है भारत के नागरिक सर झारखंड की निवासी होना चाहिए, तो फिर JSSC फोरम में क्यों नहीं लिखा गया? आगे क्या कीजिएगा? आगे वही बंदी है, चिड़िया उड़ा मना है वही, इसलिए जैसे जैसे मंत्रियों को विधायकों को जैसे जैसे हम लोग को रिएक्शन देंगे कि 60-40 में नहीं देंगे समर्थन, वैसे वैसे उन लोग को धीरे धीरे एक एक करके सबको जला देंगे, पुतला फूकेंगे उन लोग को। मैं
आपने सुना कि जैसे जैसे मंत्री इन लोगों को समर्थन नहीं करेंगे वैसे वैसे अभ्यर्थी उनका पुतला दहन करने का यहाँ पर काम करेंगे। 60-40 नाए चलतों के साथ अभ्यर्थी पिछले 5 महीनों से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और 81 विधायक 14 सांसदों से मुलाकात करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई विधायक इनको समर्थन कर रहे हैं तो कई विधायक इनको समर्थन नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे उनका पुतला दहन रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में किया जा रहा है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।